अच्छा, तो मैंने जिस तरह आप प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि ये हमारे पास अगर विलास्टी है, ये जो टॉपिक उस प्रीवियस जो टॉपिक है बर्नार्डिस इक्वेशन के साथ, वो क्या है, ये एसोसिएटेड है। ठीक है, बर्नार्डिस इक्वेशन को हमने शुरू किया था और अब हम उसको क्या करते हैं, आगे पढ़ाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, और ये इस तरह इसका इसके बराबर था। अब अगर हमारे पास वी वन और वी टू दोनों विलास्टी से अपर एंड एंड लोअर एंड, हमारे पास एस इज इक्वल टू वट, एस इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास फेमस रिलेशन है, हर बंदा जानता है। ठीक है, जो जो फिजिक्स जिसने फिजिक्स पढ़ा है। और इस तरह चूंकि यहाँ पर हमारे पास एस डिस्टेंस है और यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स वन को डिस्टेंस लिया हुआ है और वेलोसिटी वी वन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू वी वन टी। ठीक है, टाइम सेम है, कांस्टेंट है। इस तरह डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू वी टू डेल्टा टी। सो इक्वेशन टू बिकम्स, आप इसमें डाल दें एक डेल्टा एक्स वन की जगह वी वन टी और डेल्टा एक्स टू की जगह वी टू डेल्टा टी को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट बाई बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने इसको इधर पुट कर दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री आ गया। एज नाउ एज वी नो दैट बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ये ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी हमारे पास वॉल्यूम है, और इस तरह ए टू है जो मुख्तलिफ हमने लिए थे। तो ये और ये बराबर है ए वी का, ए वी, ए वी एक मतलब इसकी एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है एक दूसरे के, जब ये बराबर है तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर ये वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी, इट इज नॉट वॉल्यूम, सॉरी इट इज वेलोसिटी वी वन, और इस तरह ये वी टू भी क्या है, वेलोसिटी है। सो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास बराबर है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, बाई द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब हम एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है वॉल्यूम, और डेल्टा टी हमारे पास टी के बराबर है। हमने डेल्टा टी जो टाइम लिया है वो क्या है, वो बराबर है किस चीज के बराबर है, वो टी के बराबर है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से हमारे पास आ गया वॉल्यूम, और ये इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए वन वी वन टी इज इक्वल टू ए टू वी टू टी इज इक्वल टू वी। इस टी को हमने क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वन वी वन और ये टी यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया इक्वेशन अपनी जगह पर, ए टू वी टू और ये टी इधर आ गया, और ये वी अपनी जगह पर, हाँ हमारे पास ये आ गया। सो इक्वेशन थ्री बिकम, इक्वेशन थ्री में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ए वन वी वन और टी की जगह, और ए टू वी टू और टी की जगह हम क्या लेते हैं, ये हमने वॉल्यूम को पुट कर दिया है वी। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास डब्ल्यू टी आ गया पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू वी। सो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू टू टी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू एम डिवाइड बाई रो। अब एम डिवाइड बाई रो कहाँ से आता है, हमें पता है कि रो जो है डेंसिटी है, एम बाई वी बराबर है, तो इस वी को आप इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मास डिवाइड बाई डेंसिटी के बराबर आ जाता है, इसलिए हमने इसको इधर पुट कर दिया है वॉल्यूम की जगह। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन है जो फ्लूइड पर अप्लाई हो रहा है, नाउ हो रहा है, नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टू माइनस काइनेटिक एनर्जी वन, इट इज इक्वल टू हाफ एम एम। यहाँ पर मास सेम है, मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि दोनों जगहों पर मास क्या होगा, लेफ्ट कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास सेम है, वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फाइव का नाम दिया है, और इस तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो पी टू माइनस पी वन है, और ये क्या है, ये एम जी टू माइनस एम जी एच वन है, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन इक्वेशन नंबर सिक्स है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फोर को, ठीक है, इक्वेशन नंबर फाइव को और इक्वेशन नंबर सिक्स को क्या कर देते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर वन में, क्या कर देते हैं, हम इधर पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे पास रिलेशन आएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है पी वन माइनस पी टू एम डिवाइड बाई रो, ये वर्क की जगह आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये एम या अगर इससे थोड़ी गलती हुई तो यहाँ पर ये एम जी एच टू है माइनस एम जी एच वन है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ गया। अब दोनों साइडों को क्या कर दे, अब डिवाइड कर दे, किस चीज़ पर डिवाइड कर दे, एम पर डिवाइड कर दे,
क्योंकि यहाँ पर मास क्या है, तो ये मास कैंसल हो जाएगा, इधर का मास, इधर मास, ये तमाम मासिस क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वन ओवर रो आ जाएगा, और पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन ओवर टू रो वी टू स्क्वेयर माइनस रो वी वन ओवर टू वी टू स्क्वेयर माइनस वन ओवर टू वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। अब इस रो को दोनों साइडों क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हर एक टर्म के साथ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू वन ओवर टू रो वी टू स्क्वेयर माइनस रो वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी टू माइनस रो जी एच वन। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन हासिल हो गया। अब जो टर्म जिसके पास, जितने भी टर्म्स है, प्रेशर इलास्टिटी और हाइट, जिसके पास वन है तो आप उसको एक्स साइड पर शिफ्ट कर दें, और जिसके साथ टू है वो दूसरे है। अब जब पी वन हमारे पास ये आ गया अपनी जगह पर, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो हमारे पास ये आ गया, और ये जो है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर। ठीक है, इस तरह इस पी टू को जो माइनस है इसको इधर ट्रांसफर किया, तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस से क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो हमारे पास ये है, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेयर प्लस रो जी एच टू। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको हम फॉर्म ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन भी कहते हैं। बाज़ औक़ात इसको इस तरह बर्नौलीज़ इक्वेशन को भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये वो टर्म है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच, ये अपर साइड पर है, ये वो है जो अपर लेवल का जो पाइप है उधर है, और ये लोअर एंड पर है, ये अपर एंड पर है और ये लोअर पर है। जब अपर एंड पर और लोअर एंड पर, मतलब ये एंट्री और निकलने, दोनों दाखिल होने की जगह पर जो टर्म था और निकलने की जगह पर जो टर्म था, वो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कांस्टेंट है। कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच, सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। हिंस प्रूव दिस इज अ फेमस इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़। ठीक है, ये बर्नौलीज़ का फेमस इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन था, कोई भी कर सकता है, मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ टर्म्स पर क्या होता है, फिर कन्फ्यूजन होता है। अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है, कि ये जो हमने जो पढ़ा है इसका मतलब क्या है। वो इक्वेशन टेल अस दैट द एडिशन ऑफ प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। ये प्रेशर फैक्टर है, ये वेलोसिटी फैक्टर है, और ये क्या है, ये हाइट फैक्टर है। इन तमाम को अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसकी एक खास वैल्यू होगी, और वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, विल बी, दैट इज इफ वन फैक्टर इज इंक्रीज अनदर विल बी डिक्रीज। अब अगर आप एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करेंगे, तब ही जाकर ये इसकी जो प्लस होगी वो क्या होगी, समेशन जो होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। इस मेरी बात का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, कि हमारे पास टू है प्लस एट है प्लस टेन है, इससे आ जाता है ट्वेंटी। ये ट्वेंटी इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। आपने अगर इस साइड पर जो भी करना है, लेकिन उससे आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ये ट्वेंटी आना चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसका समीशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि इस टेन को भी मैंने कांस्टेंट लिया, ठीक है, टू को मैंने इंक्रीज किया, टू को मैंने इंक्रीज किया, टू से मैंने फोर कर दिया है, और ये टेन अपनी जगह ट्वेंटी, तो ये ऑटोमेटिकली मैंने इस एट को फिर कम करना है, इसको मैंने सिक्स करना है। क्यों करना है, ताकि इन तीन फैक्टर्स की जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास ये ट्वेंटी आना चाहिए। तो अगर मैं इसको फोर कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, और फिर ये टेन, तो इससे भी ट्वेंटी आएगा। इसको अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊँ, फोर को मैं सिक्स करा दूँ, तो ये मज़ीद कम होगा, सिक्स से ये फिर फोर होना चाहिए, इसलिए कि इसका ये सिक्स प्लस फोर प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ा देते हो, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो दूसरी चीज़ फिर क्या होगी, वो कम होगी, और दूसरी को कम करोगे तो तीसरी चीज़ आपको क्या होगी, वो बढ़ानी पड़ेगी, वो खुद बहुत फिर बढ़ेगी। सो प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर और वेलोसिटी है फ्लूइड, फ्लूइड में जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है और प्रेशर होता है उसके अंदर, उनके मतलब इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब यह है कि आप प्रेशर को अगर ज़्यादा करोगे तो ये वेलोसिटी खुद बहुत क्या होगी, फिर कम होगी, और अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे तो प्रेशर क्या होगी, वो बढ़ेगी, और इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगी, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसलिए बढ़ेगी ताकि ये क्या हो कि
ये एक दूसरे ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। इफ एनी क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट। थैंक यू।